वॉचिंग स्टडी स्किल सक्सेस। तो यार नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफी सारा डाउट रहता है, तो इसी डाउट को लेकर एनटीए ने एक लिस्ट रिलीज की है। उस लिस्ट में उन्होंने जो मिनिमम परसेंटेज है वो बताए हैं, एज लिमिट बताई है, और आप कितनी बार नीट का एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, और भी जो भी नीट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इसी वीडियो पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं न्यू स्लाइड। अबे ये क्या आ गया, क्या लिखा है, लास्ट बॉल पे करण जौहर मारकर धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया। अब यार धोनी करण जौहर कब मारने लग गया, अब ये किसने डाल दिया बीच में, यार मुझे तो पता नहीं इस पहेली का क्या बन रहा है, कौन सी पजल है। यार आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्या लिखा है। चलिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, और सबसे पहले कॉन्स्टेंट में जो दिया हुआ है वो ये है कि एग्जाम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर नीट 2020 गाइडलाइन दी गई है। मैं पूरी आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए मेरे बोलने से पहले। द स्टूडेंट मस्ट हैव पास 10+2 विद क्लास 11th एंड 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स। द 11th एंड 12th एग्जाम्स मस्ट हैव मीट द बिलो मेंशन्ड स्कोर और द स्टूडेंट हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर द अकेडमिक ईयर 2020 एग्जाम ऑफ क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम। नीट का एग्जाम देने के लिए आपको 11th और 12th जो है वो साइंस में होनी चाहिए, साइंस के साथ साथ आपके पास जो है वो पीसी भी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए और ये कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब स्कोर की बात की जाए, ट्वेल्थ में आप कितना मिनिमम कैटेगरी वाइज स्कोर करें ताकि आप नीट के लिए एलिजिबल हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा, तो डोंट वरी। आगे एज रिक्वायरमेंट, तो 31 दिसंबर 2020 तक आपकी एज 17 साल हो चुकी हो। अगर आप 17 साल से कम है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर 17 साल के हैं 31 दिसंबर 2020 तक तो भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो अभी तक अपर एज लिमिट कोई नहीं है, कोर्ट में इसका केस चल रहा है। अगर कोर्ट में इसका केस क्लियर होता है तो अपर एज लिमिट 25 ईयर्स जो है वो रखी जाएगी। उसके बाद 5 साल 10 साल जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो अलग से है, लेकिन जनरल कैटेगरीज के लिए 25 साल जो है वो मैक्सिमम एज रखी जाएगी। लेकिन अब अगर आप 30 साल के भी हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब 12th के परसेंटेज की अगर बात की जाए तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 50% है। उसके बाद ओबीसी एससी और एसटी के लिए 40% है, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है फिजिकल हैंडीकैप उसके लिए 45% है। तो ये आपके पास इतना अगर आप स्कोर करते हैं, और यार ये मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मन में डाउट रहता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के है, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपके परसेंटेज इतने होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज की अगर बात की है तो ओवरऑल में सभी कुछ आ जाता है, तो भाई इन परसेंटेज को आपके सामने गिना जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अगर देखें तो अटेम्प्ट लिमिट आ जाती है, कितनी बार आप नीट दे सकते हैं, तो कोई भी आपकी अटेम्प्ट लिमिट यहाँ पे नहीं है। आप जितनी बार आपका मन करे 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। 25 बार ज़्यादा हो गया ना, एज ज़्यादा हो जाएगी तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट्स अवेलेबल है, तो इंडियन नेशंस के NRIs OCIs PIOs और फॉरेन नेशनल्स, ये सभी स्टूडेंट्स जो है वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जो इंडिया के नेशंस हैं वही एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन बाहर के जो कुछ कंट्रीज हैं वो भी एग्जाम जो है वो नीट का दे सकती है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइस यार अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मारिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।